अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं जमील अहमद और आप देख रहे हैं वाना टू ऑलराउंडर। दोस्तों ये एक हारन है, अभी अभी मैंने एक मोटरसाइकिल से उतारा है, तो वो भाई कह रहे थे कि हारन में चेंज करके दे दो, हारन दूसरा लगा दो। मैंने इनको लगा के तो दे दिया, तो फिर मैंने सोचा नहीं था कि इस टाइम उन्होंने आई इसी वजह से थे कि हारन मैंने चेंज करवाना है, तो मैं तो हारन को नया लगा के दे दिया है। मैंने सोचा शायद उन्होंने चेक किया होगा, ख़राब होगा हारन, तो उन्होंने नया लगवा लिया। तो फिर जी उसने मतलब है कि मैंने उतार लिया, तो अभी इसको चेक करते हैं इसमें मसला क्या है, ये हारन बिल्कुल फारग है या सही हो सकता है। तो इसमें पहले आपको चेक कराता हूँ इस बैटरी साथ लगा के कि ये चलता है कि नहीं चलता है। तो एक तार यहाँ लगानी है, दो पॉइंट होते हैं यहाँ पे आपने लगाने इस तरीके से। तो एक पॉइंट ये वाला बैटरी साथ लगाता हूँ और ये वाला एक तार ये हमारे पास है, ये लगा के मैं चेक करता हूँ बजता है नहीं बजता है, उन्हें क्यों उतरवाया है। तो अगर आपका भी हारन सही हो, सही मतलब है कि पहले चेक किया करें खुद ऑपरेशन करके, अगर सही हो जाए तो फिर क्या ज़रूरत है चेंज करने की, ठीक है। तो ये पॉइंट एक साथ मैं लगाता हूँ, ये एक लगा दिया है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मैंने लगाया इस जगह पे और एक यहाँ पे, तो ये बिल्कुल मतलब है कि काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ठीक है। ये मतलब है कि काम नहीं कर रहा, बज रहा नहीं, इसी वजह से उन्होंने चेंज करवाया है। तो इसको मैं बताता हूँ सही किस तरीके से, इसकी दो सेटिंग होती हैं, ठीक है। यहाँ से देखें इसमें प्लास प्लास लगे हैं, यहाँ पे किसी ने बाहर के यहाँ सेटिंग वगैरह की है, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये सेट नहीं हुआ। तो उन्होंने मतलब है कोई इसको लगा रहा है, इसके साथ ऑपरेशन वगैरह करता रहा, तो उनसे सेट नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ सेट किस तरीके से, एक ऐसी सेटिंग होती है, पहले आप यहाँ से इसको चेक करें खोल के ना, ये जो एक छोटा सा पेज लगा हुआ है इसको आपने खोलना है ये नीचे, ठीक है। इसको खोल के ऐसा थोड़ा सा खोल के फिर आप चेक करें इसका पॉइंट जोड़ के बजता है कि नहीं बजता, ठीक है। मैं पॉइंट जोड़ के भी चेक करता हूँ, ऐसे करके चेक कर देते हैं। ये एक पॉइंट लगाया, दूसरा तो अभी स्पार खाली कार है, तार स्पार कार या बर बज रहा नहीं है। तो एक यहाँ सेटिंग होती है, यहाँ से मतलब है कि सही, मतलब आप यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट करके चेक करें, अगर तो सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं सही होता उसके बाद आपने क्या करना है, एक ये भी इसका पेज, एक ये भी नट लगा होता है 10 नंबर का, ये नट आपने खोलना थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा सा खोल के, बल्कि ज़्यादा ही खोल देते हैं इसकी सेटिंग, ये इसको बिल्कुल आपने बिल्कुल लूज़ कर देना है, ये नट हमारा लूज़ हो गया। फिर फ्लैट पेचकस आपने लेना है, फ्लैट पेचकस लेके तो इसको यहाँ से एक दो चूड़ियाँ टाइट करके चेक करें कि सही होता नहीं होता। एक दो चूड़ियाँ मैंने टाइट की हैं, अभी चेक करता हूँ बजता है कि नहीं बजता। तो ये एक पॉइंट मैंने लगा दिया, दूसरा ये अभी भी नहीं बज रहा, ठीक है। अब फिर इसको जो है एक दो चूड़ियाँ मैं और टाइट करके चेक करता हूँ, एक ये दो, ठीक है। तो ये चेक करना पड़ता है कि इसमें मामलात हैं कि ख़राब है कि नहीं ख़राब। अब लगा के चेक करते हैं, अभी देखें थोड़ी सी आवाज़ की आई है, ठीक है। अभी बिल्कुल मामूली सी आवाज़ मतलब है कि देने लग गया, थोड़ा सा और इसको टाइट करके चेक करते हैं, ठीक है। एक एक चूड़ी दो दो चूड़ियों करके चेक करनी है, अभी देखें अभी इसकी आवाज़ कुछ बेहतर हुई है, थोड़ा सा और चेक करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और टाइट कर दिया, अब चेक करते हैं, अभी बिल्कुल बंद हो गया। मामूली सा लूज़ करते हैं इसको, ये मामूली सा लूज़ करके, तो इसको यहाँ पे मतलब है कि मामूली सा लूज़ करके ना, इसको ऊपर वाले जो हमने ये 10 नंबर की चाबी से खोला था, ये नट हमें दोबारा टाइट करना है, वो नीचे वाला ना हिले जो हमने पहले टाइट किया पेचकस के साथ, ठीक है। ये टाइट हो गया, अभी इसको चेक करते हैं बजा के, अभी हाल टिक टिक ही कर रहा है, बज रहा नहीं है। तो फिर दोबारा इसको खोलते हैं यहाँ से, ये बहुत टाइट हो गया, ये थोड़ा सा खोल, थोड़ा सा खोल है ना, हाली लूज़ किया मैंने, अब ये भी नीचे वाला भी इसका नट लूज़ हुआ है थोड़ा सा, चेक करते हैं यहाँ से बजेगा, अभी आया तो बजने शुरू हो गया, बहरहाल उस तरह का मज़े का नहीं बज रहा। तो आपने इसको जो इसको भी मैंने खोला था, इसको दोबारा अपनी जगह पर लेके जाता हूँ, ये टाइट कर दिया, अभी इसको चेक करते हैं, दोस्तों तकरीबन ये ठीक हो चुका है। तो इसको मतलब आवाज़ इतनी मज़े की नहीं है, थोड़ा सा इसको और लूज़ करके, इसको मामूली सा लूज़ करके चेक करता हूँ कि इतना कुछ, ठीक है। अब चेक करता हूँ इसको बजेगा नहीं बजेगा। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल इसकी आवाज़ सही हो चुकी है। अब ये है कि इसको आपने फिर दोबारा टाइट करना है, ये नीचे वाली जो ये वाला जो ये जो पेज होता है ना पेचकस वाला, ये नहीं घूमना चाहिए, इसको यहाँ पकड़ के इस तरीके से यहाँ पर पेचकस आपने पकड़ना है, इस जगह पे हमारी सेटिंग बिल्कुल ठीक है, फिर नीचे वाले नट को आपने टाइट करना है।
ठीक है, यहाँ पे टाइट हो गया, अभी इसको मैं और मजबूती से टाइट कर देता हूँ। नीचे वाला फिर घूमने शुरू हो गया, ये नीचे वाला नहीं घूमना चाहिए। अब चेक करते हैं, तो दोस्तों अभी आप आवाज सुन सकते हैं, बिल्कुल मतलब है कि परफेक्ट हो गई, देखें। तो दोस्तों ये इसकी ये बस इतनी कोई सेटिंग होती है, देखें बिल्कुल। अभी हमारे सिर्फ 2 मिनट लगे हैं, 5 एक मिनट ही लगे हैं, तो ये हमारा मतलब है कि बिल्कुल फिट हो गया। अब इसको हमने यहाँ पेचकस लगाने, पेचकस लगा के तो इसको चाबी से बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दें, ताकि बिल्कुल हिले ही ना। यहाँ पे इसको रखते हैं इस तरह पेचकस लगा के, ये अब मैंने फुल अच्छे तरीके से टायर कर दिया, ताकि अब यहाँ से इसकी सेटिंग आउट ना हो। तो दोबारा चेक कर देते हैं, ये ना खराब ना हो गया हो। तो दोस्तों ये बिल्कुल, तो दोस्तों अब बिल्कुल फिट हो गया है इस आयरन को, मतलब है कि जो मसला था सारा मसला हल हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने भी आयरन को सही कर सकते हैं। बिल्कुल खराब आयरन है जो समझते हैं कि हाँ ये अब नहीं चल रहा, तो ऑपरेशन आपने करना है, तो इस तरीके से इसकी सेटिंग हो जाती है। दोस्तों अब आयरन की आवाज़ बिल्कुल फिट हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो इस वीडियो में मैंने बस यही बताना था, शॉर्ट सी वीडियो थी। वीडियो अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।